हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आपका फॉरेक्स अनबॉक्स में। तो सैमसंग की तरफ से और एक नया स्मार्टफोन के लिए आना शुरू हो गई है, जो बताया जा रहा है कि ये ए सीरीज का स्मार्टफोन होने वाला है, जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी A23, जो दो वेरिएंट में देखने मिलेगा, 4G और 5G। और ये होने वाला है सैमसंग गैलेक्सी A22 का सक्सेसर। तो सब कुछ बताओगे इसके बारे में। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। तो बढ़ते सीधे फ़ोन की तरफ। तो स्क्रीन की बात करें, जिसके नाम पर 6.4 इंच का एक IPS LCD वाला डिस्प्ले देखने मिल जाता है, और साथ में एक वाटर टॉप नॉच। बैक साइड की बात करें, जिसके अंदर आप स्क्रीन पर जैसे देख सकते हो, आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने मिलता है बैक में। तो अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की। इसमें बताया जा रहा है कि इसके अंदर मीडियाटेक का प्रोसेसर होने वाला है, जो अभी कन्फर्म नहीं है कौन सा है। और इसके वेरिएंट की बात करें, जो लीक्स हुए हैं, जो 4GB और 64GB वेरिएंट होने वाले हैं, मतलब इसके अंदर कुछ कंफर्म नहीं है अभी कौन सा प्रोसेसर है आएगा, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो अब बात करते हैं इसके कैमरे की। जो मेन कैमरा है इसका, जैसे कि पहले बताया कि क्वाड कैमरा है इसके अंदर। मेन कैमरा 50 MP का मेन कैमरा है, 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 2 MP का डेप्थ कैमरा और 2 MP माइक्रो कैमरा। अगर कंपेयर करें इसके गैलेक्सी A22 से, तो ज़्यादा कोई इम्प्रूव नहीं किया इसके अंदर। और सेल्फी कैमरा की बात करें, जिसके अंदर आपको वाटर ड्रॉप नॉच में 13 MP का सेल्फी कैमरा देखने मिल जाता है। तो फाइनली बात करते हैं इसकी बैटरी की, जिसके अंदर आपको 5000 mAh का बैटरी देखने मिल जाए, और साथ में 18 W का फास्ट चार्जर। तो कैसा लगा फ़ोन, वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।